सेकंड, आपका हेलमेट कहाँ है सर? हेलमेट रखा हुआ है। हेलमेट रखा हुआ है? कहाँ रखा है सर? मैंने हेलमेट पहना है, मास्क पहना है। आपका मास्क नीचे, कोरोना के टाइम पे आपका मास्क नीचे कैसे? आपका नाम क्या है सर? नारायण शर्मा मेरा नाम। ठीक है, और कुछ? आपने चाबी मांगी है? हाँ ठीक। दिस इज टोटली रॉन्ग भाई। मैं उनके एक हाथ दिखाने पे वहाँ से यहाँ रुका हूँ। अगर मैं भाई, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो समझ में आए। दे आर यूजिंग देयर पावर इन अ रॉन्ग वे। दारू पीने के बाद बदतमीजी कर रहे हैं वो नॉर्मल आदमी से। प्रिंसिपल पर्सन था ना, उसने बात नहीं करी। हम लोगों का न्यू मार्केट जाने का डिसाइड हुआ है। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बहुत है, उमस बहुत है, उजाला अच्छा है और शाम का समय हो गया है 6:43। भी बारिश के कारण मैं GoPro Hero 4 यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी बारिश आ सकती है। 8 के साथ फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर वो वाटर प्रूफ नहीं रह जाता जब उसको कनेक्ट वनेक्ट कर दो अपन। तो माइक वाइक सारी चीज़ें लगा देते हैं, तो इस वजह से जब मीडियम वॉट कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो वाटर प्रूफ नहीं रह जाता, फिर दिक्कत आ सकती है GoPro में। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। और अभी साक्षी ढाबा से हम लोग लेंगे राइट और फिर जाएंगे हम लोग भदभदा होते हुए न्यू मार्केट। तो वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी रोड दिखाता हूँ, वहाँ पे हम लोग जाके फन एंजॉय करने वाले। एंजॉय बाइक की वॉश कर ली थी, लेकिन वॉश करने के बाद फिर से यही हुआ कि कोलार पे पानी क्योंकि बिखरा रहता है। आपने देखा ही है, कहीं पानी होना हो कोलार पे रहता है तो पूरा आगे गंदा हो गया। और शिट, ये क्या लाइन थी भाई, ये चमकी थी भाई इन लोगों ने, चमकी। अच्छी रोड दिखा के आगे ऐसे गड्ढे वाली रोड छोड़ दी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं भदभदा ब्रिज पे, ऑलमोस्ट आने ही वाला है, पास में ही है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब कभी आओ तो यहाँ खड़े होके माहौल देखा करो, मज़ा आएगा आपको। और मैं अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ, लाइक यहाँ का माहौल मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है। लुक एट दिस, आई मीन सीरियसली भाई, ये देखो वहाँ फाउंटेन चल रहा है, यहाँ पे कितना शानदार है। और यहाँ पे खैर अब कोरोना इन लोगों के लिए नहीं है, ये देखो सब बिना मास्क के, बिना मास्क के, ये बिना मास्क हैं, ये बिना मास्क हैं, ये बिना मास्क हैं, सब बिना मास्क हैं। यहाँ किसी को मास्क पहनना ही नहीं। क्या भाई ये क्या हुआ, यहाँ सब बिना मास्क के खड़े हैं, यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना, एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा। लुक एट दैट, आई मीन सीरियसली यार, मतलब मनाली में देख लो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, पचमढ़ी में देख लो, भोपाल के पास जो 200 किलोमीटर दूर है, गता ही जहर मचा के रखा है। इसीलिए भाई अपन हेलमेट के अंदर भी मास्क पहनते हैं। लुक एट दिस, ये देखो मास्क पहना अपन ने। तो कभी भी आप गाड़ी चलाओ तो हेलमेट के अंदर मास्क ज़रूर पहनो भाई, कोई भरोसा नहीं है कौन कोरोना लेके जा रहा हो, छींक छूक दे और आपके ऊपर आ जाए, तो मतलब वो चीज़ का ध्यान रखो। क्या बात है, छत्रपति शिवाजी राजे, क्या बात है, शिवाजी महाराज की जय। वाह यार भाई, मतलब दिल खुश हो जाता है जब ऐसे महाराजाओं की, क्रांतिकारियों की फोटोज़ देखते हैं ना, मतलब बिल्कुल अलग ही देशभक्ति छा जाती है यार। वीडियो बना दोगे क्या यहाँ पे रील्स के लिए है? बताइए क्यों आवाज करके दौड़ा रहा है? गाड़ी 600 सीसी की है सर, 650 सीसी चला रहा था इसको, इसकी आवाज वाली आवाज करके चला ही नहीं।
सर मैंने अगर तेज चलाई हो तो बता दो आप, ये कैमरा लगा इसमें चेक कर लो आप। बुला लीजिए, बिल्कुल बुला लीजिए। मैं यहीं हूँ तो सर, मैं यहीं हूँ ना, कहीं जा थोड़ी ना। आप तो मेरे पास रहो। अरे तो मैं आपके दिखा हाथ दिखाने पे रुका ना, आप उतना तो यकीन रखो ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हेलमेट रख लो, मेरा मेरा आईडी कार्ड वगैरह सारे लाइसेंस वगैरह रख लो। गाड़ी से मेरे पास रखो सर, गाड़ी की चाबी तो नहीं रख सकता मैं, एनीवेज वहाँ लगा देता हूँ गाड़ी, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जब बोलोगे मैं आ जाऊँगा। आपको करना है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जो जो एक्शन लेना है आप ले लीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मैं बस वहाँ खड़ा हूँ अभी। तुम तो यहाँ खड़े हो मेरे पास। सर ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल आप ड्यूटी पे भी नहीं, मतलब आप वो भी नहीं कर रहे थे, चेकिंग भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसके बाद भी आपने मुझे रोका, मैं आपके लिए रुका, डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ, मैं अभी लेट हो रहा हूँ ना सर, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है दोस्तों। सर गाड़ी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो आपको पूरे टाइम खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे हैं। रात को 12 बजे तक ठीक है, तो ठीक है मैं आपकी रिस्क पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ लगा दो। अरे सर चार लोग और हैं, कहाँ से लेके आए खाना, कॉपरेट थोड़ा तो आप भी कीजिए ना, मैं कर रहा हूँ ना आपसे। आप लोग लेके आए साथ मेरे? हाँ मेरे साथ के लोग हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप ले लो। क्या नाम तुम्हारा? आशीर्वाद दांडे। अब मेरे को, मैं पूरा लीगली चलता हूँ, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप बोलो ना। अरे जबरदस्ती भाई, क्या बोल रहे? हुआ कुछ नहीं, बस वही अब सर ना नाके पे खड़े थे ना कुछ, फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे वहाँ तक तो जाने दो एटलीस्ट। वो बोल रहे हैं कि तुमने यहाँ पे गाड़ी बजाते हुए आ रहे हो। बजाते हुए मतलब? मतलब गाड़ी को साउंड करते हुए आ रहे हो, तो वही ना, वही मैं उनसे बोल रहा हूँ, क्या होता है ना चार लोग देखते हैं तो फिर वो चीज़ें भी ख़राब होती है, हम हर इंसान का अपना भी। बजाने के लिए तो है गाड़ी, देखे कोई? सर बजाने के लिए तो नहीं है ना एटलीस्ट, और मैंने वो चीज़ नहीं, मैं मास्क तक पहना हूँ हेलमेट के अंदर। खरीद पाए थे तो खरीद ली थी। आपका नाम क्या है सर? नारायण शर्मा मेरा नाम। ठीक है, और कुछ? आपने चाबी मांगी है? हाँ हाँ ठीक, ये गलत है भाई, अब दिस इज रॉन्ग भाई, दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटल रॉन्ग है। कंपनी ने ये साइलेंसर लगा के दिया, तब रॉन्ग नहीं लगा आपको? ये साइलेंसर लगा सर, के दिया कंपनी ने? हाँ जी सर, इसका मेरे पास पीयूसी भी है। क्या काम करो अपना, कंपनी ये साइलेंसर लगा के दे सर, मेरे साथ मेरे पास पीयूसी तक है, क्या करना चाहिए? जैसा आपको ठीक लगे सर। नहीं वो बोल रहे हैं ना सर, और जिस रूडली वो बात कर रहे हैं, मैं उनके एक इशारे पे रुका हूँ भाई, नहीं मैं उनके एक इशारे पे रुका हूँ। सर मैं तो कह रहा हूँ, आने का रीजन नहीं था साहब, सुनो तो सर, हम सर वो लास्ट दुकान में चाइनीज खाने आए थे, बाकी हमने ये आवाज सुनी थी बहुत स्मार्ट रोड पे, वहीं से आएंगे ना, वहीं से तो आ रहे थे। तरीके से चलाओ, धीरे सर, धीरे ही चला रहा था, ये पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो आप। रिकॉर्ड करो सर, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो आप, अगर तेज चलाई हो तो। घर में बाप बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं है सर, अब आप गलत बातें कर रहे हो, घूमते हैं उनके कान के पीछे हूं करोगे? अरे हूं नहीं किया ना, हूं नहीं किया ना, उसको डालना जहां डालना, हूं नहीं किया ना, फेसबुक में डालना, इंस्टाग्राम में डालना, यूट्यूब सब डालना। दो मिनट रुक जाओ, दे दी ना चाबी, उन्होंने बहुत रूडली बात किया, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं, अब इनसे हम लोग को पॉइंट मिलता है, वो कौन हूं कर रहा, परेशान कर रहा, भगते रहो हम लोग पकड़ते रहो आपको कितनी बार। हेलो एक सेकंड हेलो भाई, दिस इज वेरी बैड, दिस इज यूजिंग देयर पावर इन अ रॉन्ग वे, दिस इज टोटली रॉन्ग भाई। मैं उनके एक हाथ दिखाने पे वहाँ से यहाँ रुका हूँ, अगर मैं भाई अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो समझ में आए, दे आर यूजिंग देयर पावर इन अ रॉन्ग वे, एंड ही वॉज टॉकिंग सो रूडली। पिए हुए लग रहे हैं वो मुझे, इधर आओ ना, इधर मेन रोड पे। मैं कभी गलत ड्राइव नहीं करता, कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। एग्जैक्टली, एंड देन फिर पीपल से कि फिर बात वही है ना, सम पीपल आर स्पॉइलिंग नेम, आई नेवर वांटेड टू कॉल दिस पर्सन, बट आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज दे आर मोलेस्टिंग सम, यू नो, नॉर्मल सिटीजन, दे वॉन्ट कि आप लोग कॉल लगाओ और आप ये सारी चीज़ें करो और ये लोग सीन क्रिएट करें। वो किस बदतमीजी से बात कर रहे थे, बाप दादा इस तरीके से भाई, कोई बात करता है आप मेरे पेपर ले लो, गाड़ी ले लो, चाबी उनके हाथ में दे दी, उसके बाद बदतमीजी कर रहे हैं।
चलो गौरव भैया, छोड़ो छोड़ो, वो बोल रहे हैं बात मत करो, चलो। और सर लिटरली आपका तरीका बिल्कुल गलत था बात करने का, आपको भी पता है ये चीज, दिस इज रियली बैड। आप नॉर्मल सिटीजन से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, आपने की है वो आपको भी पता है, जिस हिसाब से आपने बाप और ये बोला ना शब्द बोले, वो आपको भी पता है वो गलत था। सर मैं हमेशा पुलिस का साथ देता हूँ, मेरी फैमिली पुलिस में, मेरे मम्मी पापा आर्मी में, देश की सेवा कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ना तुम्हारे बाप ने सिखाया है, आपने बोला ना जो बाप ने सिखाया है, मेरे बाप ने इतने संस्कार दिए कि उस व्यक्ति ने एक बार हाथ दिखाया मैं रुका आके, बिना मैटर के रुका, उन्होंने हाथ दिखाया, पूछिए ना आप उनसे एक बार, उन्होंने दूर से हाथ दिखाया मैं रुका हूँ। आपका हेलमेट कहाँ है सर? आपका हेलमेट कहाँ है अभी? नहीं एक सेकंड, आपका हेलमेट कहाँ है सर? हेलमेट रखा हुआ है। कहाँ रखा है सर? मैंने हेलमेट पहना है, मास्क पहना है, आपका मास्क नीचे, कोरोना के टाइम पे आपका मास्क नीचे कैसे? क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा 426। यू आर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस, यू आर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। मैंने अभी भी हेलमेट के अंदर तक मास्क पहना है, हेलमेट के अंदर तक मास्क पहना है मैंने, और किसी से मैंने बदतमीजी की हो तो बताओ, आपसे ही क्यों हुआ? मैंने कोई आपसे बदतमीजी? अरे सर वो तो आपको भी पता और मुझे भी पता, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाए बिना मास्क के। चलो दारू पीने के बाद बदतमीजी कर रहे हैं वो नॉर्मल आदमी से। अभी मास्क भी नहीं पहना, हेलमेट नहीं है, खुद के पास खुद के सामान नहीं है।